हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया पंडागदे, नर्सिंग ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि एमपीपीएमएस के बीएससी नर्सिंग के एग्जाम फॉर्म समथिंग जुलाई से अगस्त के बीच निकल आएंगे। सो फाइनली एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, जिसमें कि जो हमारी स्टार्टिंग डेट है जुलाई ही दी हुई है। 31 जुलाई से हमारे एग्जाम फॉर्म रिलीज हो गए हैं एमपीपीएमएस के बीएससी नर्सिंग के। ओके, सो हमारा जो वेट था वो ओवर हो चुका है। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो अगस्त में है। 14 अगस्त को आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। हमारे पास टोटल 15 डेज है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म भर दें। बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे कि हमें मतलब नर्सिंग ही करनी है और एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, सो वो सारे क्वेश्चन सब हो चुके हैं क्लियर। आपके फॉर्म आ चुके हैं, तो एग्जाम फॉर्म फिल कर देना। इसके बाद आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, आप लोगों ने कुछ गलत भर दिया है, तो इसकी जो करेक्शन डेट है आपको 19 अगस्त तक दी हुई है, जिसमें कि आप लोगों को समथिंग 20 डेज का टाइम दिया हुआ है। और जो फीस है और रिजर्व अनरिजर्व के अकॉर्डिंग, अनरिजर्व के लिए 400 है और जो रिजर्व है उन लोगों के लिए 200 रुपीज एग्जाम फीस है। इसके बाद जो आपके एग्जाम डेट है वो सितंबर में है, जो कि 4 से 6 सितंबर के बीच आप लोगों के एग्जाम होने हैं। 2 शिफ्ट में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देंगे, इसमें कुछ बहुत सारे करेक्शन भी हुए हैं, तो मैं आपको अदर वीडियो में बताऊंगी सारे डिटेल में। आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मंथ सिर्फ एक ही बचा है आपके पास, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो अभी आपके पास सिर्फ अगस्त है। जो भी बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है, रिवाइज करें, जिनकी नहीं हुई है स्टार्ट करें, और 1 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों के डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अकॉर्डिंग आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दूंगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रिजल्ट का वेट भी है, कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो प्लीज़ वो लोग भी ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना, एग्ज़ाम ज़रूर देना। अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस होगा। तो कोई भी मिस मत करना, किसी भी तरीके से ये एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल करना और अच्छे से एग्जाम देना। उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ओके, सो इस पे बहुत सारे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे आने वाले न्यू अपडेट आप तक पहले पहुंचे। ओके, सो थैंक यू, और जो भी डाउट हो कमेंट करके बताओ। थैंक यू।